तो गाइस यहाँ पे बॉक्साइट का जो ट्रक था उसको शायद यहाँ पे वॉशिंग किया जाता था ऐसा लग रहा है, मतलब सर्विसिंग वगैरह किया जाता था यहाँ पे खड़े करके। ये वाला जो एरिया था ना, ये कैंटीन था ऐसा लग रहा है, क्योंकि चल वापस निकल निकल निकल। तो हम लोग अभी यहाँ पे रोड से थोड़ा सा जैसे ही एंट्री करते हैं पुटका पहाड़ के लिए, वहीं पे राइट साइड में एक रास्ता जाता है, पता नहीं यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। ये सरकारी ऑफिस वगैरह था क्या, हो भी सकता है, देख के चलना। नहीं अरे तो वो फूल है, फुटबॉल फूल है भाई, और ये ना उगेगा। और ये देखिए यहाँ पे घर, ये भी टूट फूट गया है, पूरा खंडहर हो गया है। क्या चीज़ है, कुछ है खाने पीने के लिए? तो ये देखिए पूरा खंडहर। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे आए, और यहाँ पे आंवला पेड़ आप देख सकते हैं मेरे बगल में ये, और आवाज़ ना एकदम सराउंडिंग गूंज रहा है यहाँ पे। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बॉक्साइट का जो ट्रक था उसको शायद यहाँ पे वॉशिंग किया जाता था ऐसा लग रहा है, मतलब सर्विसिंग वगैरह किया जाता था यहाँ पे खड़े करके। और यहाँ पे नींबू का पेड़ भी है कह रहा है सुशील। और ये देखिए घर, बहुत ऊंचा ऊंचा दीवाल है भाई, बहुत ऊंचा। और ये देखिए दीवाल, बहुत ही मजबूत दीवाल है, पुराने ज़माने का बना हुआ। आवाज़ गूंज रहा है यहाँ पे। और नींबू देखिए, ये देखिए नींबू, और देखते हैं हम लोग तोड़ के ले जाएंगे नींबू यहाँ से। ये काफ़ी सारा फला हुआ है, देखते हैं पका हुआ तोड़ लेंगे खाने के लिए हम लोग के चिकन के साथ, और पका हुआ भी काफ़ी गिरा हुआ है। ये देखिए और इधर पे ये कांटा वाला घास, काफ़ी साफ सुथरा एरिया है। और उस साइड भी एक घर है, वहाँ पे वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक दो और नींबू तोड़ लेते हैं, वो हाथ में पहुँचने वाला। और ये पता नहीं कहाँ चढ़ गया है ये बंदर नींबू तोड़ने के लिए, देखिए इतना ऊंचा दीवार में ऊपर चढ़ गया है। और ये रहा नींबू का झाड़, और यहाँ तोड़ेंगे हम नींबू। अरे यार एक नंबर पका पका है, दिख रहा है सामने में, एक एक फेंक। अब रुक रुक रुक, तो तीन नींबू एकदम मस्त दिख रहा है भाई, एक नंबर नींबू। ये देखिए तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा ये वाला रूम साइड भी चलते हैं, यहाँ पे क्या पता कुछ फल मिल जाए। और ये देखिए ये सब जो ईटा है ना, बहुत ही सदियों पुराना है, और अभी तक एक भी नहीं गला हुआ है ना भाई। घर तो देखो मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, और ये शायद ना गिलावा जोड़ा ही है ना, नहीं सीमेंटेड जोड़ा ही है, सीमेंटेड नहीं, देख ना बीच बीच में कहीं पे दिखा रहा हूँ, देख मेन गेट के पास। और देख के ना अचानक से कुछ निकल मत जाए कहीं से। और सीट वाला घर था ये, और गेट का हाइट भी देख के ना, तो सीधा इसी घुस जा रहा है। देख क्या है उधर, कुछ नहीं, चल फिर। तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिला फिलहाल इस नींबू के अलावा, और इसका हाइट भी उतना नहीं है ना, देख नहीं है, आसर आएगा तो फिर ठड़ुम से लगेगा उसको। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, और टाइम हम लोग के लिए नहीं पूरा रहा हम लोग को, तो चलो गाइस वापस चलते हैं। ये वाला जो एरिया था ना, ये कैंटीन था ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी टूटा फूटा है, कप का ही पूरा पीस दिख रहा है, कप और गिलास वगैरह वगैरह का, ये देखिए। और इस साइड में पता नहीं क्या है यहाँ पे आगे, थोड़ा सा जाके देखते हैं। ये इसको गलती से भाई हाथ वाथ से मत छू देना, क्योंकि ये ना बहुत ही खुजली लगवाता है। और सुशील को लग
अबे मेरे को भी खुद नहीं लग रहा है। ओ शिट, ये जो दिखा रहा हूं ना यही है यार, यही खुजली कर रहे थे, यहाँ पे लगा है दे, ये यहाँ पे सूखा है दे। अरे यार चल वापस निकल निकल निकल, बहुत खुजली लग रहा है यार, और देख के चलना फिर से। तू तो जीन्स पहना है, मैं तो जीन्स भी नहीं पहना हूँ। कैसे करें, बहुत खुजली लग रहा है यार। तो गाइस यहाँ पे एकदम खुजली लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग पुटरूस का जो झाड़ है ना तो झर्रा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुजली यार, कसम से दोनों पैर में। चल तबानी कर, बहुत बहुत खुजली। इसलिए ना जंगल में ना ऐसे मत, कभी भी ऐसे मत घुस जाना भाई। चल यार इधर नहीं यार, इधर वैसा आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन इस वाले एरिया में है ना, इस वाले एरिया में उस टाइप का अलग आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है, हाँ यहाँ यहाँ पे खाली जगह है यार, खाली जगह इसके नीचे। और यहाँ का जमीन हिल भी रहा है, खाली जगह है मतलब। ये पुटका पहाड़ के एरिया में यहाँ पे ना पता नहीं खाली जगह है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना चल रहे थे तो अंदाजा लग गया। तो चलो आगे चलते हैं, खुजली से तो दिमाग खराब हो गया। तो यहाँ पे सुशील आगे चल गया है, और ये कुआं यहाँ का पुटका पहाड़ का काफ़ी गहरा है, और ये देखिए पानी, इसमें पानी तो नहीं है लेकिन झट्टा भरा है, वो है पूरा घास फूस, और पता नहीं इसमें इससे क्यों डाले हैं। और सुशील पता नहीं उधर क्या खोजने जा रहा है, मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। और ये जो आगे जो इस साइड पहाड़ वहाड़ दिख रहा है ना, मेरे को लगता है वो ना अरे तारा ले के जाता होगा वो। तो ये देखिए कुआं, और एक कुआं के अंदर में कुछ नहीं है, झाड़ झंखाड़ है। हाँ ये जो कुआं है ना शायद इसमें भालू गिरा था ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये पूरा उसका नाखून का नखोड़ा हुआ निशान दिख रहा है, और इसी जगह पे है और दूसरे जगह पे नहीं है। तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि इसमें भालू गिरा था और वो चढ़ नहीं पाया। तो ये है मंदिर पुटका पहाड़ का, ये देखिए बहुत ही पुराना शिवलिंग यहाँ पे है। यहाँ पे भालू वालू, ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग रखाया है, बहुत पुराना मंदिर है। लकड़ी वकड़ी भी है बगल में। जस्ट मंदिर के सामने यहाँ पे एक चौरा बना हुआ है, और ये चौरा में ये जो आप देख रहे हैं ये मीठा नीम है, और ये अभी तक जिंदा है, अभी तक पता नहीं कब का होगा ये। तो फिर चलिए यहाँ से निकलते हैं, अभी हम लोग इस साइड जा के देख रहे हैं, वहाँ ना थोड़ा खुला खुला एरिया दिख रहा है, तो क्या पता वहाँ से कुछ व्यू दिख जाए। हाँ और ये जो है ना, ये जिसमें हम लोग चल रहे हैं सब पूरा दीवार है, मतलब घर बना हुआ था, जो यहाँ पे वर्कर जो काम थे, काम करने वाले थे उनके लिए। ये देखिए और वहाँ पे भी सुनना, खुजली वाला पौधा को फिर से देख के ना तो जोरदार खुजली पकड़ता है फिर। और यहाँ पे नज़ारा कुछ अलग ही लग रहा है, तो हम लोग इस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे पता नहीं क्या टंकी है। हाँ लेकिन खाई है, ये देखिए ये देखिए टंकी पानी के लिए, या फिर पता नहीं क्या क्लेश है पानी के लिए।
ये घर वाला एरिया था वाकई में, यहाँ पे बहुत सारे रूम बना हुआ है, क्योंकि अभी पूरा बॉक्साइड पत्थर का ही बना है पूरा ये दीवार जिसमें हम लोग चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग का चिकन तो नहीं बन पाया, देखते हैं नदी कहीं पे मिलता है वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ पे चिकन बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा हम लोग चिकन बनाए और खाए। और यहाँ से निकलते हैं फिर, चलो चलते हैं। सुशील तो मस्त रेडी है निकलने के लिए, लकड़ी अभी तक पकड़ा हुआ है, और वो चलो फिर पकड़ ये देखिए चाकू भी पकड़े हैं हम लोग, यहाँ चिकन बनाना था ना इसलिए पकड़ लिए थे, चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे बाइक खड़ी कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी चिकन बनाएंगे। घूम घूम के मेरा नाक बंद हो गया है, और ये हमारा सबसे पुराना व्यू पॉइंट है, सबसे फेवरेट व्यू पॉइंट यही है ना। तो यहाँ पे चिकन बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे? ओ क्या नज़ारा है भाई, यहाँ मैं हमेशा से सोचता था कि कैंपिंग या फिर कुछ भी पिकनिक टाइप का मनाया जाए, तो आज हम लोग यहाँ पे मस्त सा बनाएंगे। अरे बाप रे स्लिप हो रहा है, जो भी लेके आए हैं चिकन यहाँ पे ये फैलेगा तो नहीं आज। और ये देखिए यहाँ पे सुशील लकड़ी वकड़ी जमा कर लिया, और पता नहीं क्या से आग लगाएगा वही जाने, क्योंकि जो माचिस खरीदे थे वो तो गुम गया है ना। तो ये देखिए पता नहीं क्या से चलाएगा, यहाँ पे भूसा उसे डाल दिया अंदर, तो देखते हैं माचिस वाचिस देखते हैं, बैग में अगर होगा तो मिल जाएगा तो जल जाएगा यार, और बाकी नहीं होगा तो क्या ही कर सकते हैं। और इधर देखिए आग जलाने की कोशिश यहाँ पे जल रहा है, चिंगारी निकल रहा है, हाँ यार निकल रहा है, क्या पता शायद अभी आग लग जाए, देखते हैं अभी जलने ही वाला है, बस थोड़ा सा और दो तीन बार फिर जल, और इसके बाद फिर इसमें अंगार सुलगाएंगे, उसके बाद फिर चिकन बनाएंगे। हाँ वही घास को डालो, और यहाँ लकड़ी की कमी नहीं है, लकड़ी आपको हर जगह यहाँ पे पूरा जंगल में मिल जाएगा लकड़ी। तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे चिकन जो है ये लेग पीस है, दो लेग पीस लेके आए हैं, और ज़्यादा महंगा नहीं, 60 रुपये का मात्र। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सब तरफ, मैं एक ही जगह मत करना उसको, हर जगह लगा लेंगे। उसके बाद फिर नमक लेके आए हैं, नमक को भी लगा लेंगे, और तेल भी है थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर रख के सेकेंगे आराम से। तो अभी हम लोग यहाँ पे चिकन को सेक रहे हैं, और आग फैले मत इसलिए इतना पूरा तामझाम हमने किया है, ये आप देख सकते हैं पूरा सब तरफ से घेर दिया है। तो गाइस हम लोग अभी इसको भून रहे हैं, और ये जो वहाँ से नींबू मिला था वो, और ये हल्का हल्का इसमें तेल, जो कि सबसे सस्ता वाला तेल 20 रुपये का खरीदे थे उसी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सरसों तेल। हाँ बस सरसों तेल ऐसे डालो थोड़ा थोड़ा, इसको पकाओ, और मैं भी नींबू डाल देता हूँ हल्का सा। वाह काफ़ी रस है यार ये नींबू में तो। आवाज आया तो मैं डर गया, तेल का है ना। तो ये थोड़ी देर में पकेगा, अभी अंगार कम तो नहीं हो गया यार है? नहीं हुआ यार, ठीक है ना। ये देखिए तेल, यही तेल यूज किया हम लोग। हम लोग यहाँ पे मिक्सचर विक्सचर खा लेते हैं, अमृत मिक्सचर है अपने पास, और एक भुजिया से, और ये केक, और ये सब का कचड़ा को इधर उधर ना फेंके, कृपया खाएं और चुपचाप वापस ले जाएं। लाल लाल दिख रहा, और ये हड्डी भी छोड़ना शुरू कर चुका है, थोड़ा थोड़ा काला हो गया लेकिन चल जाएगा। ये देखिए किस तरह से हड्डी छोड़ चुका है मांस, तो अभी हम लोग इसको खाने वाले हैं। क्या अकेला अकेला खाने वाला है क्या इसको? तो ये रहा लेग पीस, काफी बड़ा लग रहा है, मैं दूंगा तेरे लिए। हैं
है? है, मुझे भी चाहिए। नहीं दूंगा मैं। ये अकेला अकेला खा रहा है, देखो अकेला अकेला खा रहा है। मेरा वाला पकड़ नहीं है, ये गिर है। ये देखो ये टंगड़ी गिरने वाला था। रखो रखो यहाँ पे। तो ये टंगड़ी रेडी हो गया है। चक्कू कहाँ पे है? ये देखिए बहुत ही लाइमी और जूसी बन चुका है। ये पता नहीं पका भी है कि नहीं, निकाल तो दिया। अच्छा लग रहा है यार। अंदर का पका है ना भाई? देख ले तो खा के दिखाओ यार कैसा लगा। तो गाइस ये पुटका पहाड़ का जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबाना मत भूल।